बात समझे। अरे तू मोबाइल पर फोटो कर, मैं हो गया तो मैं मारू, ले 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 बस हो गया। राज भी चले कर रहा था, खाली बस रहे। नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत शाम है और ये संगीता जी के तरफ से बनाई हुई जो पेंटिंग्स हैं इसकी अलग खूबी है और साथ ही साथ इस बात की और खूबी है विशेषता कि जहांगीर आर्ट गैलरी जो एक प्राइड है महाराष्ट्र का चाहे देश का और जहां पे शायद महीनों नहीं सालों लगते हैं वो तारीख मुकर्रर होने पे तारीख पे तारीख पे तारीख बदलते जाती है यहां पे उसके बाद यहां जगह मिलती है। तो आज जो ये इनका जहांगीर आर्ट गैलरी ने जो एक्सेप्ट किया और जहांगीर आर्ट गैलरी में इनके पेंटिंग्स की जो आज एग्जीबिशन हुई है मैं समझता हूँ बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, बहुत ही फ़ख्र की बात है और इससे भी ज़्यादा खासियत ये है पेंटिंग्स बनाने वाली की यानी संगीता जी की कि हमारी इनसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, जीवन में पहली बार किसी कार्यक्रम में मैं बगैर मिले बगैर मिनट्स ऑफ द मीटिंग जाने हुए बगैर कोई लिटरेचर पाए हुए मैं वहाँ से इनकी बात पे इनकी खासियत पे इनकी अदायगी पे जब टेलीफोन किया इससे प्रभावित हुआ। मैं कह सकता हूँ कि बहुतों का जादू तो नहीं चला लेकिन इनका जादू चल गया, सर चढ़ के बोल रहा है और मैं आ गया जहाँ दिल्ली से खास नहीं नहीं आई बीन दैट आई एम वेरी हैप्पी इंडीड वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग कॉल मी टू दिस ग्रेट फंक्शन एंड दैट टू एट जहांगीर आर्ट गैलरी हाईली अप्रिशिएटेड थैंक यू वेरी मच। सर आपको पर्सनली कितना पसंद है ड्राइंग करना देगा जब तक फिर नहीं मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। सच ये है कि मुझे बिल्कुल नहीं आती, मैंने बहुत कोशिश की स्कूल और कॉलेज में और ख़ासकर जब साइंस में पढ़ता था जो भी पढ़ता था जिस हद तक पढ़ता था वहाँ पर मैं ग्लास का और एक बीकर का और एक फाउंटेन पेन का भी तस्वीर नहीं बना पाता था, आज भी नहीं बना, लेकिन मेरी सिग्नेचर इतनी अच्छी है लोग कहते हैं कि बहुत आर्टिस्टिक सिग्नेचर बहुत खूबसूरत है तो समझते हैं बहुत आर्टिस्टिक। मैं आर्टिस्टिक ज़रूर हूँ, मुझे बहुत शौक़ है आर्ट का कल्चर का पेंटिंग्स का सिंगिंग का जितने भी हमारे स्टेज क्राफ्ट जितने भी हैं उसका बहुत शौक़ है। मैं समझता हूँ राजनीति से ज़्यादा मेरा पहला शौक और पहला प्रेम तो ही है कल्चर आर्ट एंड कल्चर और उसी के तहत मैं इस तरह से बगैर मुलाकात के इनसे प्रभावित होकर और आज इनके काम से प्रभावित होकर जहांगीर आर्ट गैलरी से जा रहा हूँ। लेकिन हाँ मेरे घर में मेरी बेटी करती है सोनाक्षी अच्छा पेंट करती है और हमारे कुछ फ्रेंड्स बहुत अच्छा करते हैं लेकिन मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं कदरदान हूँ, मैं खुद अच्छा ना भी करूँ लेकिन कोई अच्छा करता है तो उसको पहचान लेता हूँ और अच्छा नहीं करता हूँ तो उसी तरह से जो पगड़ी मैं नहीं बांध सकता हूँ लेकिन कोई गलत पगड़ी बांधे तो मैं बता सकता हूँ उसने पगड़ी गलत बांधी। नहीं इस वक्त कुछ नहीं क्योंकि ये चित्रकारी और कलाकारी का मामला है संगीता जी की जिम्मेदारी पे और इनकी जवाबदेही पे मैं आया हूँ वो भी जहांगीर आर्ट गैलरी में। इस वक्त मैं कुछ और बातें करके इसको मैं डाइल्यूट नहीं करना चाहता हूँ और तो इसके इम्पैक्ट को कम नहीं करना चाहता। लेकिन इसके अलावा से शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया है कि ट्वीट किया है कि
कश्मीर में कश्मीरी लोगों को मारा जाता है, उसके बारे में क्या कहना है? एक आप पॉलिटिशियन है, आप थोड़े लेट आए, आप थोड़े लेट आए हैं, आप उसके पहले एग्जैक्टली यही कह चुका हूँ और अब तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, खामोश। थैंक यू सर। एक फोटो, एक फोटो में प्लीज प्लीज सर। हां हां जाओ सर। थैंक यू सर। सर आराम से लगा तो नहीं है Sunday. After that, कैसे हो? ठीक। I'm coming back from Dubai. We may call in the middle. Okay. Then we meet you. हाँ, फिर मैंने whichever you think. Okay. Whichever. This is the chef's choice. It's not nice, your choice. Okay. हाँ अच्छा आदमी है, ले लो आप ही। थैंक यू बहुत प्लीज, पीछे से हट जाओ। फाइन सर, कम आए कम आए। सर यहाँ तो बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल नहीं, वही सब करके आ रहा हूँ। बहुत अभी तो बहुत इंटरेस्ट अभी यहाँ पर जमे हुए हैं, तुम लोग यहाँ छपेगा भी सर। एक सवाल सर, ज़्यादा नहीं, एक सवाल पॉलिटिकल नहीं, अफरीदी को लेकर कह दीजिए। अफरीदी को लेकर कह दीजिए, कश्मीर के मुद्दे पे उन्होंने कहा है कि काफ़ी सारी जो वहाँ पर ब्लड शेड हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, और इस मामले में यूएन क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहा है? देखिए देखिए, ये सब बातें इसमें पॉलिटिकल करना ठीक नहीं है, बट कहीं भी अगर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, कहीं भी कुछ तकलीफ हो रही है, कहीं भी कुछ मारे जा रहे हैं, ब्लड शेड हो रहा है, चाहे कश्मीर हो कि एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, खासकर हमारे हिंदुस्तान की, ये हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि उसको कैसे रखें, कैसे कम करें, कैसे कम से कम करें, और हमारी और हमारे ये इच्छा शक्ति पे, हमारे स्ट्रॉन्ग विल पे बहुत निर्भर करता है। आई एम श्योर कि हमारे पास, हमारी सरकार के पास वो स्ट्रॉन्ग विल है, और उस स्ट्रॉन्ग विल है तो हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और कुछ पहले भी किया जिसकी बहुत तारीफ हुई है, और उसको भी क्रिटिसाइज भी किया। अभी आप देखते जाओ, आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू संगीता। Traveling, no? So, yeah. Some inspiration.
Yeah, this is something very different. This that one also very black from another color. Unbelievable. But to make it black, I'm like doing like a tube light. Maybe just like you know what the black. Glowing like there's a bulb inside. Let's all stand with the light. Yeah. Inside or the inside? Yeah, okay, this side. Top class, but now with a little bit of a salary. Your brain says for more than that. You say, please. फोन पे बात की आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ टेलीफोन पर कर बात करके और वो भी पेंटिंग एग्जीबिशन और वो भी संगीता जी कर रही है इतने मेहनत से जो स्पेन में थी अब हिंदुस्तान में है बखिया से पता नहीं मुझे कैसे इनका कन्विक्शन या इनका जादू चला कि आज राजनीति की दुनिया या पार्लियामेंट जो चल रहा है या बिल्कुल नहीं चल रहा है उस दौर मैं छोड़ कर मैं कला की दुनिया में चित्रकारी की दुनिया में चला आया इसके लिए मैं एक तरफ जहाँ जहांगीर आर्ट गैलरी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जहांगीर आर्ट गैलरी को सलाम करता हूँ वहीं दूसरी तरफ संगीता जी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ घोड़ों से जितनी सिंपलिसिटी के साथ जो मैं समझ पा रहा हूँ जितनी कम से कम रंगों को बिखेरे हुए जिस तरह से उन्होंने पेश किया है प्रस्तुत किया है कि मैं समझता हूँ आप लोग और हम लोग क्या कोई आम आदमी भी इसको अच्छे से समझ जाए ये इस इन पेंटिंग की खूबी देख रहा हूँ ये सो कॉल्ड बॉलीवुड सो कॉल्ड हम इसे फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री की तमाम चीज़ों को इतने बेहतर इतने खूबसूरत तरीके से पेश करते हैं ड्रीम्स अनलिमिटेड ये स्वप्न सुंदरी की तरह ये सपनों की दुनिया में लेके गई है उस इंडस्ट्री से जहाँ हम लोग इतना लगाव रहा है जहाँ से हम लोग पढ़े हुए पल पे आगे बढ़े और ये इनकी खासियत भी है और इस पेंटिंग की भी यही खासियत है कि फिर से आपको सपनों की दुनिया में ले जा रहा है इंडस्ट्री सपना देख रही है ड्रीम देख रही है और ये संगीत ने पेश किया मैं समझता हूँ बहरहाल मेरे लिए बहुत नया मैं दूसरी बार आ रहा हूँ मैं जहांगीर आर्ट गैलरी में और पहली बार मैं चीफ गेस्ट बनकर आ रहा हूँ It's really an honor that Chandruji is here. It's really a big thing. It's kind of a dream that I had. I approached him the last time also, but I think I couldn't connect with him. And God heard my prayer that he's here and he agreed without knowing. But now I know you. I know you through your art also. I know you through your paintings also. सिन्हा साहब आपकी जो सहयोगी साथी है ज्योतिबा फुले सांसद हो या आदित्य राज हो उनका ये कहना है कि दलित समुदाय खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस समय और जिस प्रकार से ये जो घटनाएं देश में हो रही है क्या कहेंगे आप क्या आपको ये उचित लगेगा कि ये चित्रकारी किस कला चित्रकला के समय सर आपकी पेंटिंग्स में आपकी खुद की कितनी रुचि मैं तो दहान में जब मैं कोई चित्र बनाता था तो मैं तो ग्लास का भी नहीं बना पाता था मैं तो साइंस में था और वहाँ क्या यूटेंसिल है क्या बोलते हैं तो भूल भी गया उसमें फ्लास्क वगैरह बनाना होता था हमारे सब टीचर्स कहते थे कि उसके बावजूद मैं फ्लास्क भी धोना था बीकर वगैरह गलत बनाता था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका इसकी कदर नहीं करता हूँ मैं तो सब कलाकार हैं और कोई आपने पेंटिंग बनाई फिर बाद में
नहीं मेरे घर से घर में मेरे मेरी बेटी सोनाक्षी बहुत अच्छा बनाती है। पर संगीता जी के कांटेक्ट में आने के बाद आपको लगता है कि आप कुछ सीखेंगे? मैं तो आज अपनी बहू को मिला रहा था, बेटी बहू को, मैंने कहा था उन लोगों को, लेकिन चूंकि हमारे फ्लाइट की टाइमिंग ऐसी हो रही थी, मेरी वाइफ भी आने वाली थी यहाँ पर, मेरी बेटी भी शायद आती, मैंने कहा अच्छा कर देख क्या, वो उसको पेंटिंग बहुत शौक है, बहुत अच्छा बनाती है, इनके तरह कल्चर का मामला है, पेंटिंग का मामला है, जहांगीर आर्ट गैलरी का मामला है, यहाँ पे कोई राजनीति की बात करके वातावरण को दूषित ना करें तो ज्यादा। लेकिन सर आप पेंटिंग देखने आए हैं, लेकिन देश का चित्र इस समय खराब हो रहा है, उसके बारे में कुछ तो आपसे टिप्पणी चाहेंगे? कर ही रहा हूँ, खराब नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, देश का चित्र खराब हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ये शादी की घड़ी में बर्बादी की बात नहीं करते, बर्बादी की घड़ी में आबादी की बात करते। अभी तो ये पेंटिंग का और कला का और कलाकारी का और चित्रकारी का मौका है, खूबसूरत मौका, आइए हम सब इंजॉय करें। इनको संगीता जी को बहुत सर, आपने अभी जितनी भी पेंटिंग देखी उसमें से आपको सबसे अच्छी कौन सी? कहाँ पे अभी आपने जितनी भी देखी? और स्कूल में बच्चों की देखी, प्ले वाली देखी, वो भी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। ये भी जो ड्रीम वर्ल्ड और ड्रीम अनलिमिटेड, मैं पता प्रश्न बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सारी पेंटिंग की सिंप्लिसिटी जो है, और बहुत बढ़िया तरीके से सिंप्लिसिटी से पेश किया है, तो समझने में ज़्यादा नहीं ज़्यादा वक्त नहीं लगा, बल्कि बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू। अपने घूम पकड़ देंगे, सबसे घूम देंगे।